तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। एंड आज हम शुरू करेंगे कॉम्बिनेटरिक्स का सेकंड पार्ट, दैट इज पिजन होल प्रिंसिपल। एंड बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारी रेयर टॉपिक को कंप्लीट किया जा रहा है इन द मिशन हैशटैग ओबीएस। आप सभी को पता होगा ऑलरेडी, मैट्रिक्स का कंप्लीट लेसन हो गया, एलिमेंट नंबर थ्री का कंप्लीट लेसन, ऑल आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज go through the description, and also for downloading this lecture PDF, you can get a link in the description, click that one and you have the this PDF of this lecture। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं पिजन होल प्रिंसिपल। एक्चुअली बहुत सारे बच्चे कमेंट ये भी करते हैं, सर ये कौन सी चैप्टर से आया है क्वेश्चन, और कभी कभी हम प्रीवियस जो क्वेश्चन को देखकर हम लिंक नहीं कर पा रहे हैं, सर ये कौन से चैप्टर के अंदर आएगा, कौन सी टॉपिक के अंदर आएगा। तो ये भी तुम्हारे सामने का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, शायद 2018 का। एंड आप सभी को पता होगा 2018-19 में जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा सा तो डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा डिटेल्स में जा रहे हैं और सभी चैप्टर को डिटेल्स में कवर कर रहे हैं। लास्ट में तो मैं प्रोवाइड कर लूंगा ही, लेकिन आपको मेरा आंसर जरूरत नहीं होगा, आप इजीली इसको कर सकते हो। तो मैं ये आंसर वीडियो के लास्ट में आपको प्रोवाइड कर लूंगा, लेकिन इन बिटवीन द वीडियो जब आपको पता लगेगा हाँ ये मैं आंसर दे पाऊंगा, तो पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए और फिर से शुरू करिए। तो चलिए मैं क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ लेता हूँ। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड इन ए क्लास टू बी श्योर दैट थ्री ऑफ देम आर बॉर्न इन द सेम मंथ। आप ये प्रिंसिपल, ये सभी क्वेश्चन बच्चों को ये दिक्कत हो रहा है, ये प्रोबेबिलिटी में आ रहा है या परमुटेशन में आ रहा है या बाइनोमियल में आ रहा है या कॉम्बिनेशन में आ रहा है, कौन सी चीज में आ रहा है ये क्वेश्चन, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये सिंपली पिजन होल प्रिंसिपल यहाँ पे यूज किया जा रहा है, और मैं आपको इजीली डिटेल्स में आपको बता दूंगा पिजन होल प्रिंसिपल क्या है और इसका एप्लीकेशन क्वेश्चंस क्या है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू कर लेते हमारा सेकंड पार्ट कॉम्बिनेटरिक्स का, दैट इज पिजन होल प्रिंसिपल। और ये आपके सामने है पिजन होल प्रिंसिपल। द डेफिनेशन इज वेरी सिंपल एंड दिस इज ए लॉजिक बेस्ड लेक्चर, दैट्स व्हाई प्लीज ये लॉजिक को सही बिठाए तो आप ये क्वेश्चन जितने जल्दी हो सके आप इतना जल्दी क्विकली कंप्लीट कर सकते हो। बहुत सारी प्रॉब्लम को इजीली लॉजिक सिर्फ यूज करके भी आप बता सकते हो। फिर भी हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ हटके क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी टच करने के लिए। तो चलिए मैं प्रिंसिपल सिर्फ बता देता हूँ, और मेरा टारगेट ये भी रहता है कोई भी टॉपिक को अगर मैं चूज कर रहा हूँ तो सभी को डिटेल्स में जाऊंगा, थ्योरी प्रॉब्लम सभी को क्रश करूंगा, जैसे कि आपका कोई दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में। चलिए, इफ एन आइटम्स आर प्लेस्ड इन एम कंटेनर्स, ये देखिए दो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वन इज कंटेनर एंड अदर इज आइटम्स और ऑब्जेक्ट्स। इफ एन ग्रेटर देन एम हो जाता है, मतलब कंटेनर से नंबर ऑफ आइटम्स मेरा अगर अधिक हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो क्या करना होगा। और पिजन होल प्रिंसिपल एक्चुअली क्या कह रहा है, सी वो कह रहा है एटलीस्ट वन कंटेनर मस्ट कंटेन्स मोर देन वन आइटम। अगर मेरा कंटेनर से नंबर ऑफ आइटम्स बड़ा हो रहा है, नंबर ऑफ आइटम्स ज्यादा हो रहा है, तो सिंपली कोई भी एक कंटेनर से तो एक से तो ज्यादा नंबर ही रहेगा आइटम। ओके, तो इसलिए पिजन होल प्रिंसिपल यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, पिजन होल प्रिंसिपल का कुछ पॉइंट्स, कुछ वर्ड्स, जैसे कि कंटेनर्स, आइटम्स एंड यहाँ पे एटलीस्ट वन कंटेनर मस्ट कंटेन्स मोर देन वन आइटम। ओके, और भी आपको आसान होगा ये सेकंड पॉइंट अगर आप देख रहे हो, थोड़ा सा लॉजिक बिठाओ और कुछ नहीं। इफ यू हैव थ्री ग्लोब्स, अगर आपके पास थ्री ग्लोब्स है, देन यू मस्ट हैव एटलीस्ट टू राइट हैंड ग्लोब्स और एटलीस्ट टू लेफ्ट हैंड ग्लोब्स। श्योर, अगर मेरे पास एक राइट हैंड ग्लोब से, उसके बाद एक लेफ्ट हैंड ग्लोब से, जो थर्ड नंबर ग्लोब्स में चूज करूंगा, क्योंकि मेरे पास तीनों ग्लोब्स है। अगर एक राइट हैंड ग्लोब्स हो गया, एक लेफ्ट हैंड ग्लोब्स हो गया, थर्ड नंबर ग्लोब्स मेरा क्या होगा, इधर राइट होगा और लेफ्ट होगा। मतलब अगर राइट हो रहा है तो मेरा टू राइट आ गया, अगर लेफ्ट हो रहा है तो टू लेफ्ट भी आ गया। लेकिन आप ये समझ नहीं पा रहे होंगे शायद, मेरे को कुछ क्वेश्चन पूछो इस क्वेश्चन को लेकर, मेरे को काउंटर पार्ट क्वेश्चन पूछो, मेरे को पूछा गया है थ्री ग्लोब्स, इफ यू हैव ए थ्री ग्लोब्स देन यू मस्ट हैव एटलीस्ट टू राइट हैंड ग्लोब्स और एटलीस्ट टू लेफ्ट हैंड ग्लोब्स। इसका अपोजिट में क्या पूछ सकता हूँ, अभी मैंने आपको बताया अगर मैंने एक राइट लेना है ले गया, उसके बाद एक लेफ्ट ले गया, उसके बाद जो भी मेरे को ग्लोब्स चूज करना है इधर राइट होगा और लेफ्ट होगा और कुछ नहीं। अगर राइट में चूज कर रहा हूँ तो दो राइट आ गया तो एटलीस्ट टू तो सेटिस्फाई हो गया, अगर दो एक लेफ्ट चूज कर रहा हूं तो दो लेफ्ट भी आ गया तो एटलीस्ट लेफ्ट तो सेटिस्फाई हो गया, एटलीस्ट टू लेफ्ट। अब देख सर तीनों में राइट ले जाऊंगा, चलिए मैं तीनों राइट ले जाता हूं। अच्छा ये बताओ तीनों राइट में एटलीस्ट टू राइट तो सेटिस्फाई हो गया, वो बोल रहे हैं एटलीस्ट टू राइट हैंड ग्लोब्स और एटलीस्ट टू लेफ्ट हैंड ग्लोब्स। अगर मैं तीनों लेफ्ट ले जा सकता हूं
तो एटलीस्ट तो टू लेफ्ट हैंड हो गया ऑलरेडी, एटलीस्ट टू लेफ्ट। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि मेरे को तीनों ग्लोव्स तो चाहिए, और तीनों ग्लोव्स में आप अगर तीनों राइट्स ले रहे हो तो एटलीस्ट टू राइट हो गया, तीनों लेफ्ट्स ले जाते हो तो एटलीस्ट तीनों लेफ्ट हो गया, और कोई भी दो राइट या एक लेफ्ट ले जाओ, दो लेफ्ट या एक राइट ले जाओ, तो आपका पॉसिबल तो ये हो जाएगा एटलीस्ट टू राइट हैंड ग्लोव्स और एटलीस्ट टू लेफ्ट हैंड ग्लोव्स, ये दोनों के अंदर कोई भी एक चीज आपके पास होगा। तो चलिए आप बताएंगे सर इसको पिजन होल प्रिंसिपल क्या क्यों कहते हैं। एक्चुअली जब ये बता रहे थे जो मैथमेटिक्स है ना, उसी टाइम उन्होंने क्या किया, कंटेनर के प्लेस में बोल दिया था पिजन होल और आइटम के प्लेस में बोल दिया पिजन्स। तो यहाँ पे भी आपके जो फिगर में अभी दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 9 पिजन होल से, यहाँ पे होल कितना है और बक्स कितना है, 9 बक्स है, और मैंने 10 पिजन्स को यहाँ पे अगर प्लेस कर रहा हूँ, और एक एक पिजन रह गया मेरा, 9 पिजन हो गया 9 बक्स में, और एक जो एक्स्ट्रा पिजन यहाँ पे मेरा एक एक बॉक्स और एक कंटेनर मेरा होल्ड करेगा, मतलब अगर मेरा नंबर ऑफ आइटम्स नंबर ऑफ बॉक्सेस से ज्यादा हो रहा है तो सिंपली कोई एक बॉक्स होगा या एटलीस्ट एक बॉक्स होगा जो एक से अधिक आइटम को कंटेन कर रहा होगा, बस इसको पिजन होल प्रिंसिपल कहते हैं। आप बताएंगे सर ये तो ऑब्वियस चीज है और ये आसान है लॉजिक चीज है, तो इतना दिक्कत क्यों है। जब हम प्रॉब्लम पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ पे हाइड होकर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं मेथड्स टू बी अडॉप्टेड। हाँ मैं आपको पहले से कुछ चीजें के बारे में आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या मेथड अडॉप्ट करना होगा इस टाइप को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। पहला वन बेसिक लॉजिक, सेकंड वर्स्ट केस, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन में वर्स्ट केस मैं क्यों कह रहा हूं, मतलब सबसे घटिया केस हमको लेना है, मतलब हम ट्राई करेंगे जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको कंट्रा पार्ट करने के लिए, उसको काउंटर पार्ट करने के लिए एक वर्स्ट केस लेंगे, अगर वहां पे हमको सक्सेस मिल जा रहा है तो वहां पे आपका आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हाँ आफ्टर दैट सीलिंग फंक्शन, आपको पता होगा या नहीं होगा आई डोंट नो अबाउट द सीलिंग फंक्शन, ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है इस टाइप का सिंबल कभी कभी तो यूज होगा आप देख रहे होंगे, इसको हम सीलिंग फंक्शन के ओर यूज करते हैं। और सीलिंग फंक्शन का मतलब एक्चुअली होता क्या है, देखिए अगर मेरे को पूछा गया 5 डिवाइडेड बाय 2, 5 डिवाइडेड बाय 2 एक्चुअली डिवाइड करने के बाद आ रहा है 2 पॉइंट समथिंग, दैट इज 2.5। अगर सीलिंग फंक्शन दे रखा है 2.5 के प्लेस में हमको लिखना है नियरेस्ट इंटीजर जो आगे है, दैट इज 3 लिखना है। सपोज मेरे को दिया गया है 7 डिवाइडेड बाई 4, इसका अगर मेरे को सीलिंग फंक्शन चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूँ 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, और 4 1 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब वो हो जाएगा सीलिंग फंक्शन में 2। हाँ इस टाइप का और एक फंक्शन है फ्लोरिंग फंक्शन, इसको हम फ्लोरिंग फंक्शन कहते हैं। आप पता कर सकते हो सीलिंग मतलब छत छत होता है और फ्लोरिंग मतलब ऐसे फ्लोर होता है, तो ग्राउंड जैसे आपको कहते हैं। फ्लोरिंग फंक्शन में क्या है, अगर यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग हो रहा है तो 1 लिखना है, अगर मैं 5 बाई 2 2 पॉइंट समथिंग हो रहा है तो 2 लिखना है, फ्लोरिंग मतलब नहीं पीछे वाला इंटीजर लिखना है, और सीलिंग फंक्शन मतलब आगे वाला इंटीजर लिखना है। ये तीनों चीज को हम यूज करके हम इजीली इस टाइप का मेथड को और इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन को जा रहा हूँ, चलिए पिजन होल प्रिंसिपल। क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, इफ के प्लस वन ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस इन टू के बॉक्सेस देन देयर इज एटलीस्ट वन बॉक्स कंटेनिंग टू और मोर ऑब्जेक्ट्स, ये था पिजन होल प्रिंसिपल। सिंपल सा चीज है, अगर मेरा 4 बॉक्सेस है एंड सपोज यहाँ पे 3 बॉक्सेस है, सपोज 3 बॉक्सेस है एंड आई हैव 4 आइटम्स, तो अगर मैं एक एक करके रखूंगा तो तीनों बॉक्स में तीनों चला गया, और एक कहाँ रखूंगा, कहीं भी रख लो तो कोई एक बॉक्स होगा जो 2 ऑब्जेक्ट को कंटेन करेगा, इसलिए वो बोल रहा है अगर k प्लस 1 ऑब्जेक्ट है और मैं k बॉक्सेस है तो सिंपली एक बॉक्स एटलीस्ट 1 ज्यादा रखेगा। ओके एटलीस्ट 1 बॉक्स बी देयर व्हिच कंटेन 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहला एग्जांपल, आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। इन ए ग्रुप ऑफ 367 पीपल्स देयर मस्ट बी 2 पीपल विथ द सेम बर्थडे, आपको समझ में आ रहा होगा अभी मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैं 367 पीपल्स को ले रहा हूँ, 367 पीपल्स को ले रहा हूँ तो कोई भी 2 लोग होंगे जो सेम बर्थडे होगा। आप बताएंगे सर कैसे पिजन होल प्रिंसिपल यूज करिए। चलिए एक साल कितने दिन हो रहे हैं, एक साल सिंपली 366 डे और 365 डे। ओके मैं 366 डे ले रहा हूँ और मैंने आपको बताया था वर्स्ट केस लेना है तो 366 ले जाता हूँ जो कि लीप ईयर का डे। ओके तो 366 डे में मेरे को दिया गया है 367 पीपल्स, तो अगर मैं वर्स्ट केस के लिए चेक कर रहा हूँ, चलिए मेरे को चाहिए 366 डे में एक एक का मैं बर्थडे के लिए एक एक डे चूज कर रहा हूँ,
ओके मतलब अगर एक जनवरी 1 में बर्थ किया है तो दूसरा जनवरी 2 में ले जाऊंगा, तीसरा जनवरी 3 में ले जाऊंगा, क्योंकि वो बोल रहा है सेम बर्थडे। लेकिन मैं वर्स्ट केस के लिए मैं चाहूंगा किसी का भी सेम बर्थडे ना हो। सेम बर्थडे ना हो मतलब अगर एक जनवरी 1 में हो रहा है तो दूसरा जनवरी 2 में ले जाओ, तीसरा जनवरी 3 में ले जाओ, ऐसे होकर दिसंबर 31 तक मैं हार्डली 366 या 365 पीपल को ही मैं रख सकता हूँ। तो आफ्टर जो एक या दो पीपल रह गए, अगर ये 366 मान रहे हो तो शायद जो एक पीपल रह गया वो तो अगेन जनवरी 1 को ही आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन में दे रहा हूँ, देर मस्ट बी टू पीपल विच इज सेम बर्थडे, तो ये आपका सेटिस्फाई हो जा रहा है। हाँ, डाउट लगेगा, आई नो दैट वन। शी क्वेश्चन, सर अगर मेरे सभी लोग एक ही दिन में बर्थ हो गए, मतलब एक ही दिन उनका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप ये क्वेश्चन कैसे होगा? अरे एक ही दिन का है मतलब एटलीस्ट टू पीपल से तो ज्यादा हो गया है, तो मेरे को तो चाहिए था टू पीपल, तो ऑटोमेटिक हो गया। तो समझ में आ रहा है, वो अगर सभी एक दिन में डेट ऑफ बर्थ है सभी का, तो आपका तो आंसर और आसान हो गया। तो अभी तो हो जाएगा टू पीपल, और 367 पीपल एक ही दिन में हो रहा है, तो टू पीपल एक ही दिन में होने से क्या दिक्कत है? ओके, समझ में आ रहा होगा आई होप। चलिए मैं और एक एग्जांपल ले जाता हूँ और आपको आसान हो जाएगा। चलिए, इन ग्रुप ए पे 27 वर्ड्स, एटलीस्ट टू वर्ड्स स्टार्ट विथ सेम लेटर। 27 वर्ड्स मेरे को दे रखा है, 27 वर्ड्स में मैं आपको बता रहा हूँ एटलीस्ट टू वर्ड स्टार्ट विथ सेम लेटर। अगर मैं वर्स्ट केस को लेकर प्रूव करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, देखिए बहुत आसान चीज है, मैंने आपको जो मेथड बताया है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेसिक लॉजिक यूज करो तो हो जाएगा। वर्स्ट मेथड वर्स्ट केस लेकर चेक करना है, और सीलिंग फंक्शन मैं आपको सभी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सपोज इन ए ग्रुप ऑफ 27 इंग्लिश वर्ड्स, मेरे को 27 इंग्लिश वर्ड दे रखा है, तो एटलीस्ट टू वर्ड स्टार्ट विथ सेम लेटर, हम उसको क्रश करेंगे, उसको हम मानेंगे नहीं। चलिए मेरे को कोई भी दो वर्ड सेम लेटर से शुरू नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा मतलब आप सपोज एक लेटर है और एक वर्ड है जो ए से शुरू हो रहा है, दूसरा वर्ड सपोज बी से शुरू हो रहा है, तीसरा सी से शुरू हो रहा है, ऐसे जेड में जो वर्ड शुरू होगा यहाँ से आप ऑटोमेटिक 26 वर्ड हो गए, आपका 26 वर्ड हो गया, और रह गया एक वर्ड, और जो एक वर्ड शुरू होगा वो तो कहीं से भी एक अल्फाबेट से शुरू होगा, और जो भी अल्फाबेट यूज हो रहा है तो हो गया एटलीस्ट टू वर्ड स्टार्ट विद द सेम लेटर्स। समझ में आ गया अभी? तो अगर 27 इंग्लिश वर्ड्स में लिख रहा हूं, एटलीस्ट कोई भी एटलीस्ट दो वर्ड होगा जो सेम लेटर से शुरू होगा, अगर उसको मैं काउंटर पार्ट भी करूंगा, मैं सोचूंगा कोई भी दो लेटर सेम वर्ड से नहीं शुरू हुआ है, तो नहीं शुरू है मतलब मैं ए से शुरू करूंगा, बी से और एक शुरू करूंगा, सी से और एक शुरू करूंगा, तो जेड से तो लास्ट शुरू होगा, लेकिन वहां पर 26 से हो सकता है। और जो एक्स्ट्रा इंग्लिश वर्ड आ गया मेरा, वो जो एक्स्ट्रा इंग्लिश वर्ड श्योर कहीं ना कहीं अल्फाबेट से शुरू होगा जो रिपीट हो गया, मतलब एटलीस्ट टू वर्ड स्टार्ट विद द सेम लेटर। चलिए और एक एग्जांपल करते हैं। अमंग 100 पीपल्स व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल दैट मस्ट बी बॉर्न ऑन द सेम मंथ। आपको अभी समझ में आ रहा होगा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सामने क्यों रखा हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एग्जैक्टली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा था, और ये भी मैं आपके लिए अभी रख रहा हूं, और अभी शायद आप इसका आंसर भी मेरे को दे सकते हो By using pigeon hole principle. तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं, देखिए क्या है। 100 people are there. What is the number of people that must be born on the same month? मतलब यहाँ पे कुछ अलग कर दिया है, पूछा है कितने नंबर ऑफ पीपल हो सकता है जो सेम मंथ में बर्थ होंगे। देखिए हमारे पास कितने मंथ है, हमारे पास 12 मंथ है। चलिए, और मेरे को दे रखा है 100 पीपल, अगर 100 पीपल वहां पे पूछा है दैट मस्ट बी बर्न ऑन द सेम मंथ, मैं 100 पीपल को अगर 12 मंथ में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो क्या होगा? श्योर 96 लोग मेरे को रह गए सपोज 12 महीने से। ओके, सपोज एक मंथ मैंने ले लिया और एक मंथ ले लिया और एक मंथ ले लिया और एक मंथ ले लिया, ऐसे मैंने 12 मंथ्स ले लिया, और ये जो 12 बॉक्स में मैं एक एक करके लोगों को रख रहा हूं, देखिए 1 1 1 यहाँ पे 1, मेरे को चाहिए दैट मस्ट बी बॉर्न ऑन द सेम मंथ, कितने लोग हो सकते हैं जो एक महीने एक सेम मंथ में ही बर्थ हुए होंगे। तो उसके बाद मैंने 2 2 2 2 रख लिया, ऐसे सभी के पास मैंने लास्ट में 8 8 8 रख लिया, तो 8 8 होने के बाद ये हो गया मेरा 96। अभी मेरे पास और 4 लोग हैं, तो और 4 लोगों को मैं कोई भी 4 बॉक्स चूज करूंगा जहां पे मेरे को रखना है, तो ये 4 बॉक्स में ये आ गया 9, ये आ गया 9, ये आ गया 9 और ये आ गया 9, और सभी के पास 8 8 8 है। मतलब आप ऐसे मानिए कोई भी एक जो बक्स है वहां पे श्योर 9 लोग रह पाएंगे, मतलब एक महीने में श्योर 9 लोग ही बर्थ होंगे। शायद आपको समझ में आ गया, तो चलिए मैं उसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा। तो देखिए
तो सॉल्यूशन, आज देयर आर 12 बॉक्सेस एंड 100 पीपल्स आर टू बी प्लेस्ड, सो एटलीस्ट 9 विल बी प्लेस्ड ऑन द सेम बॉक्स। आपको समझ में आ गया होगा अभी मैं क्या कह रहा हूँ। और सीलिंग फंक्शन अगर आप यूज करेंगे तो भी हो जाएगा, और मैंने अभी यूज कर दिया हूँ और बाद में बार बार यूज करूंगा, क्योंकि लॉजिक अगर काम नहीं कर रहा है तो सिर्फ सीलिंग फंक्शन यूज कर दीजिए तो भी आ जाएगा। 100 लोगों को मैं 12 बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो मेरा आ गया 8 point something। अगर 8 point something आ रहा है अप्लाइंग सीलिंग फंक्शन, वैल्यू क्या होगा? 9 होगा। ओके, तो एटलीस्ट और देयर द पीपल दैट मस्ट एटलीस्ट 9 विल बी प्लेस इन द सेम बॉक्स, मतलब 9 पीपल का सेम महीने हो सकता है डेट ऑफ बर्थ। चलिए आगे चलते हैं। अभी और एक क्वेश्चन तुम्हारे पास आ गया, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए और देखिए। ए बॉक्स कंटेन्स 100 ब्लैक बल्ब्स एंड 10 रेड बल्ब्स, यहाँ पे और समझ में आ जाएगा आपको, मैं श्योर देके कह रहा हूँ। ओके, हाउ मेनी बल्ब्स टू बी सिलेक्टेड, हाउ मेनी बल्ब्स टू बी सिलेक्टेड टू एंश्योर 3 बल्ब्स ऑफ द सेम कलर, तीनों बल्ब सेम कलर होना चाहिए। देखिए मैं सिंपल से समझा रहा हूँ, आप इजीली समझ पाएंगे उसको। मेरे पास 10 ब्लैक बल्ब है और 10 रेड बल्ब है, मेरे को कितने बल्ब चूज करना होगा टू एंश्योर 3 बल्ब्स ऑफ द सेम कलर, मेरे को सेम कलर हो जाएगा 3 बल्ब्स। मैं रो वर्स्ट केस के लिए चूज कर रहा हूँ। देखिए हमारे पास 2 बॉक्स है, 2 पिजन होल्स है, दैट इज यहाँ पे कलर आर द बॉक्सेस, दैट इज वन इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। तो ब्लैक कलर एंड रेड कलर 2 बॉक्सेस है, और 2 बॉक्सेस में मैं चूज कर रहा हूँ एक एक मैं चीज को और एक एक आइटम को मैं निकाल रहा हूँ, और मेरे को चाहिए तीनों बल्ब सेम कलर चाहिए। तो मिनिमम मेरे को कितने बल्ब चाहिए? देखिए मिनिमम चाहिए कितना, अब मैं लॉजिक सिंपल सा लॉजिक यूज कर रहा हूँ। देखिए सपोज मैं उसका अपोजिट ले जाऊंगा, तीनों बल्ब मेरे को सेम नहीं चाहिए, मतलब अगर मैंने एक ब्लैक बल्ब चूज किया पहले, उसके बाद मैं ब्लैक चूज नहीं करूंगा क्योंकि तो मेरे को नहीं चाहिए था सेम, तो इसलिए मैंने उसके बाद एक रेड चूज कर लिया। अभी मेरे पास एक ब्लैक हो गया और उसके बाद एक रेड हो गया, जो मैं थर्ड बल्ब चूज करूंगा वहां पे अगर मैं ब्लैक चूज कर दिया, देखिए ध्यान में, अगर मैंने ब्लैक चूज कर दिया तो भी अलग हो गया। अभी मैंने जो फोर्थ बॉल चूज करूंगा, मैं सेम नहीं चाह रहा हूं, तो अभी और एक रेड बॉल चूज कर दिया। देखिए पहले मैंने ब्लैक चूज किया, उसके बाद रेड चूज किया, थर्ड बॉल को अगेन ब्लैक चूज किया, फोर्थ बॉल को अगेन रेड चूज किया, अभी तक मेरा तीनों बॉल सेम कलर नहीं है, और नहीं करने के लिए ही मैं चाह रहा हूं कोई भी तीनों बॉल सेम कलर ना आए, इसलिए मैंने पहले ब्लैक, उसके बाद रेड, उसके बाद अगेन ब्लैक और उसके बाद अगेन रेड, ये निकाल दिया। अभी चलिए, अभी जो नेक्स्ट बॉल मैं लाऊंगा, इधर मैं ब्लैक लाना है और मेरे पास रेड है, और ये जो ब्लैक अगर मैं ले आऊं, देखिए ब्लैक हो गया तीनों, अगर मैंने रेड ले आऊं तो रेड हो जाएगा तीनों। तो मिनिमम मेरे को कितना चीज चाहिए? तो 5 चीज चाहिए। आप बताएंगे सर मैं तीनों ले जाऊंगा और तीनों मैंने ब्लैक 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 ले गया, होगा ना, मैं तो तीनों ब्लैक। देखिए आप इतना लकीस्ट नहीं हो, जैसे कि डार्क रूम में कोई 2 बॉक्स से हम तीनों ना देख के रेंडमली तीनों ब्लैक आ जाएगा। हाँ, और एक चीज यहाँ पे मेरे को ध्यान देना है, मैं परफेक्टली मेरे को वर्स्ट चीज चाहिए, वर्स्ट केस चाहिए, मतलब इतना मैं अगर ले आऊंगा तो कॉन्फिडेंटली मैं कह सकता हूँ तीनों ब्लैक और तीनों सेम कलर होगा। तो ये मेरे को बताए, क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मेरे को ये चाहिए, आप कितने ले जाओ तो कॉन्फिडेंटली मैं कह दूंगा तीनों चीज होगा शायद, और डाउट में नहीं कहूंगा। अगर आप तीनों चीज ले आए तो हो, सपोज मैं कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता हूँ तीनों एक ही कलर का होगा, हाँ 2 रेड होकर 1 ब्लैक हो सकता है, 2 ब्लैक होकर 1 रेड हो सकता है, और तीनों भी रेड हो सकता है, तीनों भी ब्लैक हो सकता है, लेकिन मैं कॉन्फिडेंटली नहीं कह पाऊंगा। लेकिन अभी अगर 5 नंबर आप ले आते हो ना, तो मैं कॉन्फिडेंटली कह दूंगा यस देयर मस्ट बी 3 कलर्स ऑफ द सेम, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने 2 ब्लैक भी खरीद ली, यहाँ पे 2 ब्लैक ले आया और यहाँ पे 2 रेड ले आया, उसके बाद जो नंबर मैं लाऊंगा, उसके बाद जो बल्ब भी ढूंढूंगा, इधर ब्लैक होने से ये तीनों हो जाएगा सेम कलर, और इधर रेड होने से ये तीनों हो जाएगा सेम कलर। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो चलिए, तो हमको एटलीस्ट कितने नंबर, कितने बल्ब चाहिए? मिनिमम 5 बल्ब चाहिए। ओके, जैसे मेरा तीनों बल्ब सेम कलर हो जाएगा। देखिए अब बताएंगे सर पिजन होल को यूज करके बताइए, ये तो लॉजिक हो गया। चलिए मैं पिजन होल को थोड़ा सा बता देता हूँ, पिजन होल में कैसे करूंगा। देखिए पिजन होल में मेरे को बॉक्स चाहिए एंड पिजन चाहिए, यहाँ पे 2 बॉक्स है सिंपली। देखिए शायद आपको ये लॉजिक चैप्टर बुरा लग रहा होगा, लेकिन एक ही 2 क्वेश्चन आ रहा है तो उसको ध्यान दीजिए। यहाँ पे 2 बॉक्स है, मेरे को ब्लैक दिया गया है और रेड दिया गया है, मेरे को कितना बल्ब चाहिए? सेम, तीनों बल्ब सेम चाहिए। ध्यान दीजिए, सपोज मैंने यहाँ पे तीनों बल्ब को सेम रख लिया,
रख लिया सब कुछ अकॉर्डिंग टू पिजन होल प्रिंसिपल। यहाँ पे अगर तीनों हाईएस्ट है तो श्योर पहले दो दो होना चाहिए, आफ्टर दैट एक को मैं यहाँ पे रख रहा हूं। अभी समझ में आ रहा होगा पिजन होल क्या कह रहा है। अगर बक्स में मैं अरेंज करूंगा तो जितने बक्स होगा वहां से ज्यादा अगर आइटम हो रहा है तो एक बक्स ज्यादा आइटम कंटेन करेगा एज कंपेयर टू द अदर बक्स। दैट इज अगर यहाँ पे मैं थ्री चाहिए मेरे को तो मैं पहले टू रख लिया, उसके बाद यहाँ पे टू रख लिया और उसके बाद और एक एक्स्ट्रा यहाँ पे रख लू थ्री, तो मतलब टू यहाँ पे वन स्ट्राइक वन दैट इज हो गया फाइव और यहाँ पे थ्री यहाँ पे टू हो गया फाइव। ओके बक्स के लिए। हाँ अगर सीलिंग फंक्शन चाहिए तो सीलिंग फंक्शन के लिए यहाँ पे पूछा है कितना बल्ब चाहिए मेरे को दो बक्सेस के लिए और जो मेरा आंसर आ जाएगा थ्री। आप n इक्वल टू टू मल्टीप्लाई टू थ्री मत कर दीजिए, ये सीलिंग फंक्शन है। सीलिंग फंक्शन मतलब यहाँ पे क्या डालने से मिनिमम कौन सा नंबर होगा जो टू पॉइंट समथिंग आ जाएगा और मिनिमम कौन सा नंबर होगा जो टू पॉइंट समथिंग आ जाएगा, मिनिमम दैट इज फाइव। अब जैसे फ्रैक्शन ले जाओ, फ्रैक्शन कैसे लेंगे, यहाँ पे बॉल तो एक एक निकालना है, बॉल को तो एक से मैं कट कर नहीं कर सकता हूँ ना, तो इसलिए मैं फाइव यहाँ पे डाल सकता हूँ मिनिमम फाइव, दैट्स व्हाई माय आंसर बिकम थ्री हो गया। चलिए आई होप थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, चलेंगे आगे और डिटेल्स आपका क्लियर हो जाएगा। अभी देखो अभी और एक चीज आपको मैं बता रहा हूं, यहां पे ध्यान दीजिए। ए ड्रॉअर कंटेन्स ए डजन ऑफ ब्राउन सॉक्स और डजन ऑफ ब्लैक सॉक्स, डजन मतलब इट्स 12 ब्राउन सॉक्स आर देयर एंड 12 ब्लैक सॉक्स आर देयर। ए मैन टेक सॉक्स आउट रैंडम, हाउ मेनी सॉक्स मस्ट बी ही टेक आउट टू बी श्योर दैट ही हैज एटलीस्ट टू सॉक्स ऑफ द सेम कलर। यहाँ पे श्योर पूछा है, श्योर मतलब कितने नंबर में ले आऊंगा, कितने नंबर ऑफ सॉक्स को मैं ले आऊंगा। बाय द वे आई विल बी श्योर एटलीस्ट टू सॉक्स ऑफ द सेम कलर, तो प्लीज बताओ। देखिए क्या करना है, मेरे को 12 डजन ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन आर देयर, मतलब टू बॉक्सेस आर देयर, सिंपल सा चीज है अकॉर्डिंग टू पिजन होल प्रिंसिपल। और मेरे को टू सॉक्स सेम कलर चाहिए, अगर मैं यहाँ पे टू मेरे को चाहिए तो क्या करना होगा, पहले वन रखना है, वन रखना है, आफ्टर दैट यहाँ पे एक्स्ट्रा एक वन रखना है तो अब टू होगा, तो टोटल नंबर अब कितना हो गया थ्री, सिंपल सा चीज है। और आप लॉजिक यूज करेंगे, लॉजिक यूज करेंगे मतलब मैं सपोज एक ब्राउन सॉक्स ले जाऊं, मेरे को दो सेम कलर चाहिए, मैं दो सेम कलर नहीं लेने के लिए सोच रहा हूं, तो एक ब्लैक ले गया उसके बाद एक ब्राउन ले गया, उसके बाद जो लूंगा इधर ब्लैक होगा और ब्राउन होगा, अगर मेरे ब्लैक हो रहा है तो ब्लैक दो आ जाएगा, ब्राउन हो रहा है तो ब्राउन भी दो आ जाएगा, मतलब रोश वर्स्ट केस के लिए भी ले रहे हो तो हाउ मेनी नंबर ऑफ मस्ट बी देयर, तीनों नंबर तो मेरे को चाहिए सॉक्स, तो श्योर मेरा दो सॉक्स सेम कलर हो जाएगा। चलिए नंबर बी को थोड़ा सा देखते हैं, हाउ मेनी सॉक्स मस्ट ही टेक आउट टू बी श्योर दैट ही हैज एटलीस्ट टू ब्लैक सॉक्स। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, दो ब्लैक सॉक्स चाहिए उसको, तो कितने नंबर लेना होगा मैं श्योर देकर कह सकता हूँ, श्योर देकर कह सकता हूँ दो ब्लैक सॉक्स से कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, तो मिनिमम कितने लेने से मैं कॉन्फिडेंटली बोल दूंगा यस देयर बी टू ब्लैक सॉक्स। देखिए यहाँ पे ब्राउन सॉक्स भी है, अगर मैंने एक ब्राउन सॉक्स ले लिया उसके बाद भी एक ब्राउन ले जाऊंगा, उसके बाद भी एक ब्राउन ले जाऊंगा, उसके बाद भी एक ब्राउन ले जाऊंगा, मतलब मेरे को 12 ब्राउन मैंने ले लिया, इतने तक मैं कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता हूँ वहां पे ब्लैक है, उसके बाद ब्राउन खत्म तो हो गया ना, आफ्टर दैट आप किसको लेंगे, ब्लैक सॉक्स को ही लेंगे, तो ब्राउन के बाद मैंने उसको वन ऐड कर दिया एक ब्लैक हो गया, लेकिन मेरे को दो ब्लैक चाहिए और एक ब्लैक हो गया, मतलब अगर मैं 14 सॉक्स ले आऊंगा, कोई भी 14 सॉक्स ले आऊंगा तो श्योर यहाँ पे दो ब्लैक सॉक्स आपको मिल जाएगा। आप बताएंगे सर मैं 14 सॉक्स में यहाँ पे आप 12 ब्राउन बता रहे थे, मैं 12 ब्लैक ले जाऊंगा, मेरे को अगर काउंटर पार्ट क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, अगर मैं 12 ब्लैक ले जाऊंगा और 12 ब्लैक में तो 2 ब्लैक हो गया ना, एटलीस्ट 2 ब्लैक, तो मेरे को और क्या चाहिए नहीं की, लेकिन मैं वर्स्ट केस के लिए कह रहा हूँ, इसलिए मिनिमम आपको 14 ले जाना होगा, आप कॉन्फिडेंटली अगर कहना चाह रहे हो 2 ब्लैक, हाँ 12 ब्लैक ले सकते हैं आप, लेकिन 12 ब्लैक 12 नंबर ऑफ सॉक्स को निकाल रहे हो तो शायद ही कॉन्फिडेंटली आप नहीं बता पाएंगे चलिए यहाँ पे 2 ब्लैक सॉक्स होंगे, कुछ ब्राउन सॉक्स भी आ जाएगा। ओके अगर मैंने ब्राउन सॉक्स कंप्लीट ले आया 12, आफ्टर दैट दो सॉक्स ले रहा हूं तो मतलब 14 अगर ले आ रहे हो तो श्योर आपका क्या हो जाएगा दो ब्लैक सॉक्स। अब बताइए सर मैं 12 ब्लैक ले जाऊंगा और दो सपोज ब्राउन हो गया तो भी हो जाएगा, हाँ यहाँ पे 12 ब्लैक मतलब यहाँ पे तो दो ब्लैक आ गया ना, ब्राउन चल जाओ रखो या ना रखो हो गया। तो चलिए देखिए सोल्यूशन यूजिंग सीलिंग फंक्शन n बाय 2 इक्वल टू 2 n मस्ट बी मिनिमम ऑफ 3। ओके दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, देखो
ओके सीलिंग फंक्शन मैंने यूज कर दिया, मेरे को एन चाहिए था, कितने नंबर ऑफ मेरे को लेना है, 10^2 n/2 = 2। तो यहाँ पे एन टू टू मल्टीप्लाई मत कर दीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन मतलब यहाँ पे एन के प्लेक्स में मिनिमम क्या नंबर डालना है, आफ्टर दैट इट विल बी वन पॉइंट समथिंग, वन पॉइंट अगर समथिंग हो रहा है तो सिंपली ये टू हो जाएगा, इसलिए एन इन मिनिमम 3। ओके तो अगर ब्लैक के लिए तो मैं 12 ब्राउन ले लिया, दो ब्लैक ले लिया, तो 14 नंबर मिनिमम चाहिए टू बी श्योर दैट एटलीस्ट टू आर ब्लैक। सम मोर एप्लीकेशन पिजन होल्स का और क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है, देखिए सक पिकिंग अभी हमने प्रॉब्लम किया है, हैंड सेकिंग प्रॉब्लम, द बर्थडे प्रॉब्लम, टीम टूर्नामेंट, सबसेसम, ये सभी प्रॉब्लम के और भी मैं फोकस डाल देता हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कंप्लीटली नॉलेज। तो चलिए शुरू करते हैं सक पिकिंग। अभी मैंने बता दिया था ए बॉक्स कंटेन 4 पेयर ऑफ सॉक्स कलर रेड ब्लू येलो एंड व्हाइट, सपोज आई पिक अप अ सॉक्स विथ आउट लुकिंग देम, हाउ मेनी सॉक्स आई मस्ट टेक आउट सो दैट दे विल कंक्लूड ए मैचिंग पेयर, एक मैचिंग पेयर होना चाहिए। देखिए मैं कितना सॉक्स ले जाऊंगा तो एक मैचिंग पेयर आ जाएगा। मेरा बॉक्स यहाँ पे है डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कलर्स क्या क्या है, व्हाइट है, येलो है, ब्लू है एंड रेड है। ओके तो मेरे को अगर मैचिंग पेयर चाहिए, बाय वर्स्ट केस मैं अप्लाई करूंगा मैचिंग पेयर ना होने के लिए मैं यहाँ पे एक ले जाऊंगा, सेकेंड यहाँ पे ले जाऊंगा, थर्ड यहाँ पे ले जाऊंगा, फोर्थ यहाँ पे ले जाऊंगा, ये तो मैचिंग पेयर नहीं हुआ। लेकिन आफ्टर दैट मैं जो लूंगा, ये तो चारों हो गया, अगर मैं और एक पेयर और एक सपोज मैं सॉक्स को निकाल रहा हूँ तो ये तो कहीं से बॉक्स से निकालेगा ना, रेड होगा, ब्लू होगा, येलो होगा और व्हाइट होगा। अगर यहाँ पे रेड से मैंने निकाल दिया, यहाँ पे एक मैचिंग पेयर हो गया, मतलब मिनिमम कितना होगा, मिनिमम 5 नंबर ऑफ सॉक्स। मैं वेस्ट केस के लिए चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे एक 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 रख लिया और यहाँ पे एक्स्ट्रा जो अगर 5 नंबर में ले जाता हूँ तो श्योर आई विल बी श्योर दैट एट लीस्ट वन मैचिंग पेयर इज देयर। आप बताएंगे सर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे तो 4 पेयर्स था, 4 पेयर्स मतलब समझ में आ रहे, दो 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 और दो, ये 4 पेयर्स था तो मिनिमम 5 ले जाओ। अब बताएंगे सर मेरे को अगर बोल रहा होगा सभी मैचिंग पेयर चाहिए, सभी ऑल आर मैचिंग पेयर्स, तो आप क्या करना होगा, आपको कंप्लीटली सभी को ही लेना होगा। ओके 4 पेयर्स को मतलब 8 नंबर ऑफ सॉक्स को ही लेना होगा, तो आप सभी मैचिंग पेयर पा सकते हो। चलिए एनी डाउट्स, चलो नेक्स्ट चलते हैंड सेकिंग कंसेप्ट, मैं सिर्फ कंसेप्ट रख रहा हूँ आपको समझ में आ जाया होगा इसको क्या क्या एप्लीकेशन आ सकता है। पिजन होल ये कह रहा है अगर एन नंबर ऑफ पीपल्स हु कैन शेक हैंड्स विद वन अनदर, देन पिजन होल प्रिंसिपल सोच दैट देयर इज ऑलवेज अ पेयर ऑफ पीपल्स हु विल शेक हैंड विद द सेम नंबर ऑफ पीपल्स। अगर आप एग्जाम्पल की ओर सपोज 5 पीपल है, ओके और 6 पीपल है, एक पीपल अगर हैंडशेक करेगा कितने के साथ करेगा, 5 लोग के साथ करेगा। अगर और एक पीपल के लिए हम डिस्कशन करेंगे वो कितने कितने लोग को हैंडशेक करेगा, वो भी 5 ही पीपल को हैंडशेक करेगा। मतलब अगर एन नंबर ऑफ पीपल एक दूसरे के साथ हैंडशेक कर रहे हैं तो श्योर देर मस्ट बी 2 पीपल हु विल हैंडशेक विद द सेम नंबर ऑफ पीपल्स। मतलब अगर तीनों लोग हम है, हम तीनों लोग है, मैं अगर 2 लोगों के साथ ही हैंडशेक कर सकता हूँ और एक लोग वो भी 2 लोग के साथ ही हैंडशेक कर सकता है। समझ में आ गया हैंडशेकिंग कंसेप्ट क्या है। चलिए मैं आगे जा रहा हूँ थोड़ा सा, टीम टूर्नामेंट। टीम टूर्नामेंट सपोज देखिए 7 पीपल्स वांट टू प्ले क्रिकेट इन ए टूर्नामेंट एंड बट लिमिटेशन इज देयर ओनली 4 टीम्स आर अवेलेबल। चारों टीम है लेकिन 7 पीपल्स वेंट और 7 पीपल्स वांट टू प्ले द टूर्नामेंट। तो ये पिजन होल प्रिंसिपल हमको ये कह रहा है दैट दे कैंट ऑल प्ले फॉर डिफरेंट टीम्स, दैट इज देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन टीम फीचरिंग एटलीस्ट 2 ऑफ द 7 प्लेयर्स। अगर मेरा 4 टीम है, 7 लोग गए हैं, तो 7 लोग कभी भी अलग अलग टीम से नहीं खेल सकते, तो मिनिमम कोई एक टीम होगा जो 2 लोग, वो जो 7 प्लेयर से 2 लोग को अपने साथ मिला और उसी टूर्नामेंट में खेलेगा। मतलब सीलिंग फंक्शन को भी आप यूज कर सकते हो, 7/4 दैट इज आ जाएगा 2, सो एटलीस्ट वन ऑफ टीम फीचरिंग एटलीस्ट 2 ऑफ द 7 प्लेयर्स। ओके कोई मिनिमम तो एक प्लेयर एक टीम होगा जो 7 प्लेयर से 2 लोगों को खेल रहा होगा उसी टीम से। ओके चलिए सबसेट सम, मैं सभी को एक साथ रख रहा हूं आपको, आप तो और आसान हो जाएगा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाउ मेनी नंबर्स मस्ट बी सिलेक्टेड फ्रॉम द सेट दिस वन, ये ध्यान रखिए टू गारंटी दैट, यहाँ पे वर्ड गारंटी दैट एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ दिस नंबर्स एड अप टू 7। हम गारंटी दे सकते हैं अगर मैं कितने नंबर से एक पेयर बनाऊंगा, 2 नंबर को लेकर या 3 नंबर को लेकर या 4 नंबर को लेकर एक पेयर बनाऊंगा, बाय वे मैं अगर ये
ऐड कर रहा हूँ जो दोनों प्यार से कोई भी नंबर को, ये जो सबसेट से कोई भी नंबर को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो मेरा कोई भी दो नंबर ऐड अप हो जाएगा 2 7। तो अगर आप सोच रहे हैं सर मैं दो दो ले जाऊंगा 1 6 2 5 3 4 या तो 7 हो जाएगा, आई नो डैट, बट दो दो ले रहे हो आप, ये मानिए आप ले रहे हो दो दो, तो दो दो से अगर मैंने 1 2 ले गया तो ये तो नहीं होगा 7। अगर मैंने 2 3 ले गया तो ये तो नहीं होगा 7। अच्छा चलिए मैंने 3 3 ले रहा हूँ, शायद हो सकता है अगर मैं 1 2 3 ले जाऊंगा, यहाँ पे कोई दो को मिला हो वो 7 नहीं होगा, तो 3 3 भी काम नहीं कर रहा है। चलिए 4 4 ले जाते हैं, 1 2 3 4 यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 3 4 हो गया 7। चलिए 1 2 3 5, हाँ यहाँ पे 2 एंड 5 ये 7 हो गया। चलिए सपोज 2 3 4 5, 2 3 4 5 में देखिए 3 4 7 हो रहा है और 2 5 भी 7 हो रहा है, मतलब मिनिमम मेरे को 4 नंबर लेना है, मिनिमम मेरे को 4 नंबर लेना है और 4 नंबर का एक सेट ले जाओ तो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक कोई भी दो नंबर, मतलब उसी सबसेट में कोई भी दो नंबर अवेलेबल होंगे जिसको ऐड करने के टाइम तुम 7 मिल जाएगा आपको। अगर मेरे को पूछेगा 8 चाहिए तो 8 देखिए, अगर मैं चारों को ले रहा हूँ 1 2 3 4, यहाँ पे 8 आ सकता है कोई दो का? नहीं आ सकता है। यहाँ पे अगर एक तो नहीं आया तो मतलब वो तो नहीं होगा। चलिए मैं 5 को ले रहा हूँ 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखिए 3 एंड 5 8 आ जाएगा, 2 3 4 5 6 ये 5 को ले जाऊंगा तो आ जाएगा 8 कहीं ना कहीं, 6 एंड 2 तो 8 हो जाएगा, तो वहां पे 5 लेना होगा, 5 5 एलिमेंट को एक सबसेट लेना होगा। समझ में आ गया सबसेट सम क्या कह रहा हूँ? हो गया। तो देखिए अभी चलते हैं और आगे, ये देखिए और एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स Each of whom comes from one of the 50 states and who must be enrolled in university guarantee that at least 100 who come from the same state. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मेरे को यहाँ पे 50 states दे रखा है और मेरे को 100 एक ही state में चाहिए, तो कितने students मैं ले आऊंगा 50 states से, जैसे कि एक state से 100 आ जाएगा। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत सा सिंपल सा चीज है, पहले मैं लॉजिक यूज करूंगा। तो बेसिक लॉजिक के लिए मेरे को दिया गया है 50 स्टेट्स, ऐसे मानिए 50 बक्सेस आर देर, ओके 50 बक्सेस आर देर, तो इस 50 बक्सेस में मेरे को 100 चाहिए एक बॉक्स में, ये तो है ना प्रिंसिपल। अगर मेरे को एटलीस्ट 100 हु कम फ्रॉम द सेम स्टेट में कोई एक बॉक्स से 100 अगर रख रहा हूं, इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू पिजन होल और सभी बॉक्स में 99 होंगे, ओके और सभी बॉक्स में 99 होंगे। अगर ये 99 मतलब आप ऐसे मानिए 1 1 रख लिया, उसके बाद 2 2 2 2 2, मतलब एक स्टेट से मैंने एक एक बच्चे को सपोज सिलेक्ट कर दिया, आफ्टर दैट 2 2 2 2 2, आफ्टर दैट 3 3 3, आफ्टर दैट 4 4 4, ऐसे होकर सभी बॉक्स में 99 99 99 आ गया। अभी एक बॉक्स में मेरे को एक्स्ट्रा चाहिए 1, जैसे कि मेरे को एटलीस्ट 100 चाहिए, मतलब एक्स बॉक्स में एक्स्ट्रा में 1 रख रहा हूँ, मतलब और सभी बॉक्स में 99 होना चाहिए, तो मेरे को इतने सारे स्टूडेंट्स चाहिए एक 100 और सभी 99, इतने स्टूडेंट्स चाहिए जैसे कि मेरा ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। बस ये मेरा था बेसिक लॉजिक, और मैं प्रिंसिपल यूज करके सीलिंग फंक्शन यूज करके भी आप कर सकते हो, ओके तो चलिए मैं कैसे कर रहा हूँ, देखिए यूजिंग सीलिंग फंक्शन एन बाय 50 मेरे को 100 चाहिए, तो n के प्लेस में मैं क्या डालूं, जैसे कि 50 से डिवाइड करने के बाद 99 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अगर 99 पॉइंट समथिंग मेरे को चाहिए तो पहले 99 से 50 मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आ गया जस्ट 1 ऐड कर दीजिए तो आपका 99 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, व्हिच विल बी 100 फॉर द सीलिंग फंक्शन। तो अगर मैं 50 से 99 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 4950 और 1 ऐड कर दीजिए 4951, आपको इतने स्टूडेंट्स मिनिमम चाहिए टू गारंटी, Yes, याद रखिए टू गारंटी दैट एटलीस्ट 100 हु कम फ्रॉम द सेम स्टेट, ओके तो और डिस्कशन में ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, क्विक जा रहा हूँ। चलिए और एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आपके सामने, इनसाइड एन क्रॉस एन स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर का लेंथ और ब्रेथ वो एन एन यूनिट्स दे रखा है, एंड 5 पॉइंट्स आर टू बी प्लेस रैंडमली इनसाइड द स्क्वायर, देन 2 ऑफ देम आर मोस्ट एट मोस्ट डिस्टेंस इतना होगा यूनिट्स अपार्ट, ओके अगर n क्रॉस n में स्क्वायर रखा गया है तो अगर मेरे को 5 पॉइंट्स में पुट कर रहा हूं स्क्वायर में तो 2 पॉइंट के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, ओके बस आपको 5 पॉइंट्स चाहिए तो अकॉर्डिंग टू प्रिजन होल प्रिंसिपल इसको आप 4 बॉक्स में डिवाइड कर दीजिए, जिससे कि आपको 5 पॉइंट्स मिल जाएगा, कोई एक बॉक्स में 2 पॉइंट अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए मैं लिख रहा हूं, सपोज हियर 5 ऑब्जेक्ट्स आर टू बी अप्लाइंग द प्रिंसिपल, इट लेट्स
makes four holes, at least two points are in one box. So the maximum distance between the point of one box is this one. अब बताइए ये आया कैसे देखिए. अगर ये मेरा n है तो ये n by 2 हो जाएगा. ये n by 2 हो जाएगा. अभी देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ. सपोज ये मेरे बक्स है और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट को प्लेस कर रहा हूँ. अगर पांचों पॉइंट को प्लेस करूंगा कोई एक बक्स में दो पॉइंट अवेलेबल हो जाएगा. अगर ये दो पॉइंट के बीच में मेरे को मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा अगर मैंने उसको फिर से देखिए अरेंज कर रहा हूँ और ये जो दो पॉइंट था मैंने उसको ऐसे रख सकता हूँ और मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस ये आ गया डायगोनल. डायगोनल में ये हो गया n by 2 और ये हो गया n by 2 और ये क्या होगा n by 2 का स्क्वायर प्लस n by 2 का स्क्वायर हो गया n by root 2. The maximum distance is n by root 2. बहुत आसान है. चलिए सिंपली और एक चीज करिए. व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स व्हेन 10 पॉइंट्स आर प्लेस्ड विद इन ए स्क्वायर ऑफ लेंथ 3 यूनिट्स. एक स्क्वायर दे रखा है जिसका लेंथ है और ब्रेड्थ है 3 यूनिट्स. यहाँ पे 3 यहाँ पे 3. तो पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. अगर मैं 10 पॉइंट्स को यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा. वीडियो को पॉज करिए और आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए. एंड अगर आफ्टर नहीं हो रहा है तो वीडियो को ऑन करके फिर से देखिए. अगर मेरे को 10 पॉइंट्स चाहिए तो पिजन होल अप्लाई करेंगे तो मेरे को 9 होल तो श्योर चाहिए. और 9 होल कैसे होगा, 3 3 यूनिट से 1 1 ले जाओ तो 9 होल आ जाएगा. चलिए देयर आर टोटल 10 पॉइंट्स तो वी हैव टू मेक 9 बॉक्सेस. तो नाउ ईच बॉक्स ऑफ साइड 1 यूनिट. ओके एंड now placing the points into the boxes then one box must contain two points. अगर यहाँ पे मैं 3 3 जो मेरा था एक स्क्वायर उसको मैंने 9 बॉक्सेस बना दिया और हर एक बॉक्स में अगर मैं पॉइंट प्लेस कर रहा हूँ तो श्योर x बॉक्स होगा जहां से दो पॉइंट अवेलेबल होंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल पिजन होल प्रिंसिपल. अगर ये दोनों पॉइंट को मैं डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा निकालने के लिए सोच रहा हूँ तो सिंपली ये दोनों पॉइंट को डायगोनल में प्लस कर दीजिए. अगर ये दोनों पॉइंट अगर मेरा डायगोनल हो गया तो मैक्सिमम डिस्टेंस मेरा ये दोनों के बीच में जो ये वाला आ जाएगा. और आपको सभी को देखिए ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा 1 तो ये सिंपली क्या होगा दिस इज रूट 2. ओके तो चलिए मैं नेक्स्ट आ रहा हूँ. और एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है. 38 डिफरेंट टाइम पीरियड्स आर देयर ड्यूरिंग व्हिच क्लासेस एट यूनिवर्सिटी कैन बी शेड्यूल्ड. इफ देयर आर 6 7 7 डिफरेंट क्लासेस हाउ मेनी डिफरेंट रूम्स एटलीस्ट हाउ मेनी डिफरेंट रूम्स विल बी नीडेड. देखिए डिफरेंट टाइम पीरियड दे रखा है 38 डिफरेंट टाइम पीरियड्स एंड 6 7 7 डिफरेंट क्लासेस हो रहा है तो सिंपली मेरे को कितने रूम चाहिए. 6 7 7 क्लासेस को मैंने 38 टाइम टेबल से मैंने डिवाइड कर दिया. 17.81 आ रहे 17 पॉइंट समथिंग आ रहा तो सीलिंग फंक्शन में क्या होगा मिनिमम 18 नंबर्स तो रूम चाहिए. अगर देखिए अगर ये कंप्लीटली 17 आ गया होगा तो सिंपली 17 रूम्स ले जाओ ऑटोमेटिक किसी को कहीं से ओवरलैप नहीं होगा. 38 डिफरेंट टाइम पीरियड्स में 6 7 7 डिफरेंट क्लासेस हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे 17 पॉइंट समथिंग आ रहा है मतलब इतने तो हो रहा है मतलब कुछ लोग कुछ बच्चे और कुछ टाइम शेड्यूल और भी रिमेनिंग रह जाता है कुछ क्लासेस मतलब इसलिए और एक एक्स्ट्रा रूम ले जाओ ऑटोमेटिक तुम्हारा आ जाएगा आंसर. दैट इज हियर 18 मिनिमम 18 डिफरेंट रूम्स मस्ट बी नीडेड दैट इज 38 डिफरेंट टाइम पीरियड्स. हमें डिफरेंट टाइम पीरियड्स बता रखा था 38 डिफरेंट टाइम पीरियड्स होगा और 6 7 7 डिफरेंट क्लासेस के लिए तो 6 7 7 को 38 से डिवाइड कर दीजिए 17 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो श्योर मिनिमम 18 नंबर ऑफ रूम्स मस्ट बी नीडेड. तो चलिए अभी बताओ लास्ट ईयर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आंसर आप दे पा रहे हो या नहीं. आप ये क्वेश्चन दे पा रहे हो मेरे को अच्छा लगेगा. चलिए मेरा वीडियो आपका कुछ तो काम में आ गया. व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू बी रिक्वायर्ड इन ए क्लास टू बी श्योर दैट 3 of them are born in the same month. देखिए 3 of them are born in same month. मेरा कितने month है मैं logic use कर रहा हूँ principle use कर रहा हूँ. मेरा 12 महीने है और 12 महीने में ये suppose 12 number. 3 of them are born in same month. अगर एक month में तीनों रह रहा है तो सभी month में क्या क्या होगा 2 2 2 होगा according to pigeonhole principle. Okay? तो अगर 2 2 2 हो रहा है तो क्या होगा देखिए 11 2 जो आर ये 22 और यहाँ पे 3 तो आ गया 25 इज योर आंसर. ओके हाँ अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस टाइप का वीडियो ढूंढ रहे और उनको भी मिलना चाहिए. एंड मैं आप सभी को ये बता देता हूँ मैं टोटली कंसेप्ट क्लियर करके आगे जा रहा हूँ. अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आई होप एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा. ये 2018 का क्वेश्चन था एंड आई श्योर दैट ये आपको समझ में आ गया. अगर फिर भी नहीं आ रहे तो डिस्क्रिप्शन में जो भी लेक्चर का पीडीएफ अवेलेबल है उसको डाउनलोड करिए देखिए और फिर से वीडियो भी देख सकते हो अगर समझ में नहीं आ रहा है. आई होप तो समझ में आ रहा होगा और आ गया होगा शायद. ओके तो चलिए
Thank you and best of luck for your exam. Stay tuned. Bye.